Excuse me? Veena? Rehan, tum? Oh my god, what a pleasant surprise! Well, actually, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि कहाँ वो कॉलेज की बीना और कहाँ ये मैडम. यार बहुत चेंज आ गया तुम में. मिसेस शाहताज मलिक हूँ मिस्टर, ताज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक की बीवी. ओ वाओ वाओ लकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. क्या बात है जी, क्या बात है माशाल्लाह. अच्छा हम यहाँ खड़े हुए क्यों बातें कर रहे हैं, चलो ना चल के कहीं बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं. यार कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, गाड़ी वाड़ी नहीं है मेरे पास. मेरे पास है गाड़ी, डोंट वरी. चलो चलो. लेकिन तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? एक दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए, आएंगे तो तुम्हें जरूर मिलवाऊंगी. जरूर जरूर मिलवाना. आ जाओ चलो. सब अगर हमें मालूम होता कि राहिला घर पर नहीं है तो हम फिर किसी वक्त आ जाते. अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि आ गए. भाई मैं और इरफान तो ऑफिस में इतना मसरूफ रहते हैं कि खास तौर पर कहीं जाने का प्रोग्राम बना ही नहीं सकते. तो राहिला इत्तेफाक से ये करीब बाजार गई है, अभी आती होगी. नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने, आज भी चुपके से घर से निकल रहे थे कि मैं इनके पीछे लग गई. मैं इस कदर बोर हो रही थी घर में बैठी हुई तो मैंने इनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी. अंकल आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग कितना थक हार कर ऑफिस से घर आते हैं, फिर कहीं जाने की हिम्मत कहाँ होती है. और वैसे भी शहर में हमारा कोई इतना करीबी रिश्तेदार तो रहता नहीं जहाँ पर आप ही चली जाएं. अरे भाई इस घर को अब अपना ही घर समझो. भाई सनोबर तुमने घर देख लिया है ना, बस अब खुद ही चली आना. संदल तो यूनिवर्सिटी चली जाती है, काशिफ दोस्तों में मसरूफ होता है, राहिला सारा दिन घर में अकेली होती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं जरूर आया करूंगी. वैसे संदल तुम कब तक घर आ जाती हो? जी वैसे नॉर्मली तो 3 बजे तक आ जाती हूँ, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है. तो फिर आना ना घर अम्मी को लेकर. हाँ जी रोज डेफिनेटली. अच्छा भाई अब तुम लोग आ गए हो तो खाना खा के जाना. भाई राहिला ने संदल की पसंद की चाइनीज बनाई है आज. चाइनीज वाओ माय फेवरेट. लेकिन सर आज नहीं, फिर किसी दिन. भाई तकल्लुफ छोड़ो, इस घर को अपना ही घर समझो. मैं भाई घर से खाना पका के निकली थी मैं. अरे कोई बात नहीं, बस राहिला अभी आती होगी, जैसे ही आती है तो खाना लगाते हैं. मैं चाय बना देती हूँ. चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ. ठीक है. हाँ तो इरफान भैया और सुनाओ कैसी गुजर रही है? जी आंटी तो कैसी लगी आपको संदर? इरफान मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी. क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं. ठीक है, प्यारी है, अच्छी है, गोरी भी है, मगर मुझे पसंद नहीं है. आंटी सईसा वगैरह बहुत अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं. आंटी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार है, और संदल भी काफी पढ़ी लिखी है, बड़े अच्छे ख्यालात की मालिक है, घरदारी भी जानती होगी जैसे उसके माँ बाप है. और ऐसे लोग अपनी औलाद को सब कुछ सिखा देते हैं. चले ठीक है, क्या कर सकते हैं. अगर आपको संदल पसंद नहीं आई तो अरे पगले कैसी बातें करते हो, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए. क्या भाई बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल ऐसी है जैसी तुम्हारी बीवी होनी चाहिए. थैंक यू आनी, थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी. मतलब आपको संदल पसंद आई ना? तुम्हें पता है ना इरफान मुझे तुम सबसे ज्यादा अजीज हो. वैसे एक बात बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, वो हाँ कर देंगे? हाँ हाँ अभी क्यों नहीं, इनकार की कोई वजह मालूम नहीं होती. सही साहब मुझे बहुत पसंद करते हैं, वो बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहें. Carlton Ball would have been very angry with himself about. A disappointing scoreboard for Pakistan, good one for the West Indies. Bishu continues. Saeed, kya khayal hai aapka? Phir kis silsile mein? Are yehi jo Sanobar aur Irfan aaye the. Bhai bas milne aaye the. Ba? Ji nahi. Wo Sanobar hamari Sandal ko aise dekh rahi thi. मुझे तो साफ लगता है कि वो अपने भाई के लिए पसंद कर गई है.
हर बेटी की माँ की यही हालत होती है जो इस वक्त तुम्हारी है। लड़का घर में आया और सोच लिया कि ये रिश्ता जरूर लाएगा और बेटी को रुखसत कर दूंगी। तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद आए हैं वो लोग, इसीलिए तो सोच रही हूँ। हाँ, पसंद तो खैर मुझे भी है। इरफान माशाल्लाह पढ़ा लिखा नेक शरीफ लड़का है। आज उसकी बहन से भी मिल ली है, वो भी अच्छी लड़की है। भाई अगर वो रिश्ता लेकर आए तो मैं तो इनकार नहीं करूंगा। मुझे तो लगता है वो लोग रिश्ता जरूर लाएंगे। अल्लाह नसीब अच्छे करे हमारी बेटी के। हम तो भले की दुआई कर सकते हैं और अच्छे की कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। आमीन। देखें, अगर वो रिश्ता लेकर आए ना, मैं तो फौरन हाँ कर दूंगी। अच्छा अब तुम इतना भी ना सोचो भाई, हमारी बेटी है ही इतनी प्यारी कि जो देखता है उसे पसंद कर लेता है। हो सकता है कि सनोबर भी ऐसे ही उसे पसंद कर रही हो। जी नहीं, आप मर्द लोग इस मामले में होते ही अनाड़ी हैं। हम औरतें खूब समझती हैं औरतों की नजरों को। अल्लाह करे कि तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त हो। बस अब आप तैयारी रखें बेटी की रुखसती के लिए। अरे सब तैयारियां हो जाती हैं, बस दिल को समझाना पड़ता है, उसे ये बताना होता है कि अब बेटी रुखसत हो जाएगी। ये तो दुनिया का दस्तूर है सईद। आज हमारी बेटी ब्याह कर दूसरे घर जाएगी तो कल हम किसी की बेटी ब्याह कर अपने घर लाएंगे। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। आमीन। नोट्स ही तैयार नहीं किया अब तक? नहीं यार, कल रात घर पे मेहमान आ गए और फिर हमारे अम्मी अब्बा ना, उन्हें तो लोगों को खाना खिलाने का इतना शौक है कि कोई भी आ जाए तो उसे रोक लेते हैं खाने पे। इसी में रात के 10 बज गए। कौन मेहमान? अरे वही पापा का कुलीग इरफान। वो जो उसे शॉप पे मिला था? ना सिर्फ वो बल्कि उनकी बहन साहिबा भी। दाल में कुछ काला है क्या? मतलब यार उस दिन उस बंदे का तुम्हें देखने का जो अंदाज था ना, वो मुझे खटक रहा था। अब ऐसा लगता है वो अपनी बहन को तुम्हें दिखाने के लिए लाया होगा। बकवास नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? वो एक मिडिल क्लास लड़का है। तो हम भी तो मिडिल क्लास हैं जनाब। ख्यालात ऊंचे रखने चाहिए। तुम कल किसी से मिली थी? आपको कैसे पता चला? मिली थी या नहीं? हाँ, मेरा कॉलेज फेलो है रेहान परदेसी, अचानक मुझे मिल गया था। कितना अच्छा लगता है जब बहुत अरसे बाद आपका कोई बहुत पुराना दोस्त और दुश्मन का फी जमाना फैसला करना थोड़ा मुश्किल बात। दुश्मन क्यों होगा मेरा बहुत पुराना साथी है, उससे मेरी क्या दुश्मनी है? तुम्हारी ना सही मेरी हो सकती है। आप तो इतने अच्छे हैं, आपसे कोई दुश्मनी क्यों करेगा? आपसे तो लोग दोस्ती करना चाहेंगे। पोजीशन, जिस पोजीशन पे मैं हूँ, दौलत शोहरत इज्जत, उसकी वजह से कोई भी कभी भी जेलसी का शिकार हो सकता है, दुश्मन बन सकता है आपका। लेकिन मैं तो तुम्हें किसी से भी मिलने में इस तरह तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। तुम अब एक आम लड़की नहीं हो बल्कि मेरी बीवी। तो क्या अब मैं किसी से भी नहीं मिलूं? कट जाऊं सबसे? मिलो, जरूर मिलो, सबसे मिलो, उनसे मिलो जो जिनका पता है तुम्हारे दुश्मन नहीं है, उनसे मिलो। कौन लोग हैं वो? मेरे सर्कल में जितने लोग हैं, जिनसे मैं मिलता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे बिजनेस में हैं, उनसे मिलो। ताज आप, तुम्हें सिर्फ एक बात समझानी थी, सोच समझा दी, आइंदा एहतियात करना। समझ में नहीं आ रहा किससे मिलो और किससे ना मिलो। समझ नहीं आ रहा इनको पता कैसे चला। मेरी ट्यूशन्स खत्म हो गई हैं, मगर आप फिक्र मत करिएगा, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगी। ओफो, इतनी सी बात के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो? हाँ देखो तो कैसे सारा चेहरा उतर गया। अभी अगर आपके इतने लंबे चौड़े प्लान्स थे तो मुझे पहले बता दिया होता। तो क्या कर लेते तुम? मैं आपकी आराम और सुकून के लिए
कम से कम दो चार शादियां करता और ये घर दुल्हनों से भर देता। ऐसा करता हूँ जब वापस आऊंगा फिर 8-10 दिन के लिए कहीं चलते हैं। रियली? या एनी टाइम। कुछ कहना चाह रहे हो? सर मैं मालूम करना चाह रहा था, एक्चुअली आप ही मालूम करना चाह रही थी कि क्या आप लोग शाम को घर पर ही होंगे। वैसे ये सब तो पुराने वक्तों की बातें हैं, आई मीन अब ये सब कहाँ होता है। नहीं संदल, ये तो हमारी रिवायात है। जानती हूँ अब्बू को कैसे लोग पसंद है, जो ना नए गाने सुनते हैं ना पार्टीज में जाते हैं, जिनके अंदर बस बस बुढ़ों वाली रूह है, अकड़े हुए कॉलर और शर्ट पहनकर मिलने आ जाते हो।